हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और राधे राधे सभी को, और हैप्पी राधा अष्टमी आप सभी को। राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, सिर्फ श्री जी के अभिषेक की मैं अभिषेक का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं 12 बजे ही अभिषेक करती हूँ उनका हर बार। इस बार मेरे पास श्री जी आ चुकी हैं, उनके दर्शन अभी आपको थोड़ी देर में हो जाएंगे। अब से पहले मैं अपने लड्डू माधव को ही राधा रानी स्वरूप तैयार कर देती थी, श्रृंगार कर देती थी, लेकिन इस बार मेरे पास मेरी लाडली जी आ चुकी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि मैं खुद तैयार नहीं हूँ, अब बस मैं 10-15 मिनट में तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि काम में लगी हुई थी। मैंने कहा कपड़े गंदे हो जाएंगे, और आज श्री जी का फेवरेट कलर होता है ब्लू कलर, तो आज के दिन ब्लू कलर मैं उनको भी पहनाऊंगी। दोनों लाला को भी पहना दिया है और खुद भी ब्लू कलर पहनूंगी। तो फटाफट से ना जो एक दो काम है वो निपटा लेते हैं, फिर रेडी हो जाते हैं। बहुत बड़ा, मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी मौसम कैसा हो गया, 12 बजने में 10 मिनट है, लाइट भी भाग चुकी है, पीछे आपको अंधेरा नज़र होगा, लाइट भाग चुकी है और बारिश हो रही है। बहुत ज़ोर की तूफानी हवा चल रही है और बारिश हो रही है, और घर पे कोई भी नहीं। मैं अकेली, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कैसे मैनेज करूँ। तो वीडियो तो शायद देखती मैं क्या करती हूँ, फटाफट से मैंने अभिषेक की तैयारी कर लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने शूट की हैं। यहाँ पे हमने श्री जी के हाथों के निशान लिए थे। ये एक न्यू हैंकी है, पूरा पैकेट मैंने न्यू हैंकी का ला के रखा हुआ है। तो पूजा पाठ के काम के लिए ही मैं सिर्फ उनको यूज़ करती हूँ, तो उस पर मैंने निशान लिए थे श्री जी के चरणों के। और अब इनको मैं अपने लोकर में रख दूंगी, अलमारी के, या फिर कहीं भी आप पूजा के स्थान पे रख सकते हो। फिर श्री जी का मैंने स्नान कराया, 55 से स्नान कराया है मैंने। उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती हैं वो आप सबको ही पता होगा, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनका स्नान कराने के बाद आपको पट्टी फिर खोलनी है, और स्नान कराने के बाद हम करेंगे हमारी लाडों का श्रृंगार। अभी ऐसी लग रही हैं बिना श्रृंगार के भी सुंदर है, और श्रृंगार करने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। आँखें मुझे इनकी इतनी प्यारी लगी है ना, बड़ी बड़ी आँखें हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और अभी मैं इनको जो भी चीज़ें पहना रही हूँ वो सब कुछ नए लेके आई हूँ मैं, ओबियसली बात है नया ही लाना था। और अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है मुझे इनके लिए, जो जो शॉपिंग करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी एक इससे नेक्स्ट व्लॉग में मे बी। और श्री जी का जन्म हुआ था कमल के फूल में से, जैसे कि आप सबको पता होगा, तो इनको कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें, या तो इनके श्री चरणों में रख दें या फिर इनके साइड में भी रख सकते हो। तो हमारी राधा रानी तैयार हो चुकी है, मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ, करा दूँ। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देख हमारी लाडली जी, ये रहे हमारे दोनों लाला माधव और लड्डू, और दोनों के बीच में बैठी हैं हमारी श्री जी। कितनी सुंदर लग रही है ना, और तीनों को मैंने ब्लू ड्रेस पहना दी है। और यह है कमल का फूल, इसी में से हमारी लाडली जी का जन्म हुआ था, तो मैंने इनकी साइड में रख दिया है अभी। और श्रृंगार बताना कैसा है, सब कुछ इन्होंने ना न्यू पहना है सब कुछ। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मेरे पास भी श्री जी आए, तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब श्री जी मेरे पास आ गई हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आप लोग बताना कि कैसी लग रही है हमारी लाडो। नहीं आई है, पीछे आपको दिख रहा होगा रोशनी नहीं है, और गर्मी में मेरी तो हालत ख़राब रखी है। मैंने सोचा था मैं कपड़े चेंज करूँगी, लेकिन अभी नहीं किए। देखो मैंने आज के लिए मेहंदी भी लगाई थी, और हम अपनी श्री जी को भी लगाएंगे, शाम के टाइम लगाएंगे। अभी नहीं, अभी श्रृंगार हो चुका है, दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिए, और अभी ये देख लो कैंडल जला के काम चलाना पड़ रहा है मुझे। और अभी मैं इनको भोग लगा देती हूँ, थाली तैयार करके मैं फिर दिखाती हूँ कि भोग में मैंने क्या क्या बनाया है। ये रहा पूरा भोग, पूरियाँ, हलवा, ये हलवा पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, मोटी सूजी का हलवा, ये पनीर की सब्ज़ी, ये दही वाली अरवी, ये बेसन के लड्डू मैंने घर में बनाए, मतलब सब कुछ ही घर का बना हुआ है। अब इसमें डालेंगे तुलसी दल, फिर लगाते हैं भोग। और जो खाना मैंने बनाया था, प्रसाद जो बनाया था, उसके अलावा मैंने कुछ सेब और कुछ केले रख दिए थे भोग के लिए, ताकि कोई आए तो उनको दे दें। और यहाँ बैठे हुए हैं दोनों बाबा, जय श्री श्याम बोल देना सभी। तो भाई अब थोड़ी देर पहले जाके लाइट आई है, और मैंने तो कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे। अभी मैं थोड़ा सा डांस करूँगी, कोई नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ, तो मैं खुद इंजॉय कर लूँगी, क्योंकि हमारी लाडली जी आई है आज घर पर, और भजन चला लेती हूँ, थोड़ा बहुत खुद डांस कर लूँगी, और थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को भी दिखा दूँगी, थोड़ी सी, सारी नहीं दिखाऊँगी, थोड़ी सी। तो चलते हैं और अपना पूरा इंजॉय करते हैं आज का दिन।
जो कि सुबह से आधे से ज्यादा तो ऐसे ही निकल गया क्योंकि लाइट नहीं थी, इसलिए तो स्पीकर वगैरह कुछ नहीं चल सकता था। ये रहा स्पीकर जिसके ऊपर रख के मैं जला रही थी मोमबत्ती। कोई नहीं, चला लेते हैं इसको। डांस करने के बाद मैंने की आरती, और आप लोग आरती ले लो और राधे राधे सभी को। और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो जी सारा काम फिनिश हो चुका है और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। पहले मैं आपको अपनी चोट के कुछ हाल चाल दिखा देती हूँ जो कि बहुत हद तक अब ठीक है। जो हरिशन वाले ने दवाइयाँ दी है ना बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं वो, और इससे जो अगली वीडियो मिलेगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी सदर मार्केट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, फेस्टिव सीजन आने वाला है, नवरात्रे आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या कुछ कैसी कलेक्शन आने वाली है वहाँ पे। तो मैं कल जाऊँगी तो वो वीडियो देखने को मिलेगी आपको नेक्स्ट। और आज राधाष्टमी पे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि लाइट ने पूरा पचका कर दिया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज क्योंकि हमारे घर राधा रानी जी आई हैं। इसलिए अब जब उनकी छठी होगी तो हम उनका नामकरण करेंगे। देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने कि मैं उनका क्या नाम रखूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM करके बता सकते हो। तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में क्योंकि अभी रात के 10:45 हो चुके हैं और मैं अब फ्री हुई हूँ बर्तन वगैरह सब कुछ साफ करके। तो करते हैं व्लॉग यहीं एंड, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।